हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज सुबह की शुरुआत हो रही है इस नन्ही सी शैतान से, जो कि घर में सबसे ज़्यादा शैतान है। और उठ करके सबसे पहले वो आती है अपने पापा के रूम में और यहाँ पे स्पीकर पे वो भजन लगा देती है। और भजन सुनते सुनते यहाँ पे वो काफ़ी देर तक बैठी रहती है, जब तक उनका ऑफिस स्टार्ट नहीं होता। इसको भजन सुनना इतना अच्छा लगता है सुबह सुबह कि अगर उसको ये काम ना करने दिया जाए तो वो बहुत चिढ़ती है, बहुत उसमें उसके बिहेवियर में चेंजेस आने लग जाते हैं एकदम से। तो हम उसको सुनने देते हैं, एक डेढ़ घंटा वो आराम से सुनती है। उसके बाद वो फिर वो अपना मिल्क लेती है या उसको बाकी के और जो काम करने हैं वो करती है। तो ये उसका बहुत ही अच्छा टाइम है जो अपने पापा के साथ भजन सुनते हुए स्पेंड करती है। तो वो अपने पापा के साथ है अभी, तो मैं उस टाइम का सदुपयोग करूँगी यहाँ पे और फटाफट से आ गई हूँ नाश्ता बनाने के लिए। तो आज ब्रेकफास्ट में मैं बना रही हूँ गाजर और मूली के मिक्स पराठे। इसकी रेसिपी वैसे मैंने पहले भी शेयर करी है, तो कुछ लोग अभी नए हैं चैनल पे तो मैं फिर से बता देती हूँ कि इसमें गाजर मूली को मैंने अच्छे से धो करके ग्रेट कर लिया है। एक अनियन मैंने इसमें मैनुअल चॉप करके डाला है। साइड में आपको हरी मिर्चें दिख रही होंगी तो इन्हें मैं बाद में मिक्स करूंगी। नीचे मैंने हरा धनिया भी इसमें कट किया हुआ है। रेगुलर रूटीन के मसाले थोड़े बहुत मैं ऐड करूंगी और साथ ही में मैंने डाला है थोड़ा सा पाव भाजी मसाला। पाव भाजी मसाला मैं हर पराठे की स्टफिंग में मिक्स करती हूँ, इसका टेस्ट मुझे बहुत पसंद आता है। थोड़ी सी अजवाइन क्रश करके डाली है और थोड़ी सी कसूरी मेथी भी मैंने ऐड की है, थोड़ा सा खुशबू के लिए बस खाली। और बाकी के मसाले ऐड करने के बाद अब इसे अच्छे से मैं मिक्स करूंगी। इसको हाथों से मिक्स नहीं करना होता है क्योंकि हथेलियों की गर्माहट से और नमक के कांटेक्ट में आकर के जो मूली है वो पानी रिलीज कर देती है और फिर ज़्यादा पानी इसमें आ जाता है। वैसे हमने इसको निचोड़ा भी है, स्क्वीज भी किया हुआ है, स्टिल मैं इसको चम्मच से ही मिक्स करूँगी। और इसमें मैंने नमक बिल्कुल ऐड नहीं किया है, नमक मैं अब ऐड करूंगी जब मैं पराठे में इसको फिल करूंगी। और आज का जो डो मैंने लगा रखा है वो पालक मिक्स करके लगाया हुआ है, पालक की प्योरे करके, और उसको आटे में गूंद लेना है। और इसमें चाहे तो आप थोड़ा बहुत नमक ज़्यादा कर लें, बाद में फिर नमक ऐड ना करें, तो ऐसे भी बना सकते हैं, मैं ऐसे भी बनाती हूँ। तो मैंने थोड़ा बहुत नमक आटे में भी डाला है और जब मैं इसको फिल करूंगी थोड़ा बहुत मैं ऊपर से इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दूंगी। तो इस तरीके से बनाने से या इस मेथड को यूज़ करने से जो भी स्टफ पराठे होते हैं जैसे गाजर के, मूली के, गोभी के या प्याज के, वो ज़्यादा पानी रिलीज नहीं करते, क्योंकि बहुत ही बढ़िया ये पराठे बन करके तैयार होते हैं। तो आज के हमारे ब्रेकफास्ट में बनेंगे हरे भरे गाजर मूली के पराठे। और विंटर में तो ये सब चीज़ें बहुत इजीली मिल जाती हैं और रीजनेबल भी मिलती हैं, सस्ती सब्जियाँ बना करके रोज़ भी पराठे खाए जा सकते हैं। हमारे घर में तो पराठे बहुत नॉर्मल है, वीकेंड्स हों या वीकडेज हों, गाजर मूली गोभी के, प्याज के, आलू के, सबके पराठे खाए जाते हैं सुबह नाश्ते में। मुझे पर्सनली आलू के कम पसंद हैं और बाकी सब्जियों के पराठे मैं खा लेती हूँ। तो बस अब इसको धीरे धीरे मैं ऑयल लगा करके पलट पलट करके सेक लूँगी। बहुत ही बढ़िया से ये पराठे बन करके तैयार होते हैं और हेल्दी भी हैं, बच्चे भी आराम से खा सकते हैं। अगर आपके बच्चों को पालक पसंद नहीं है तो आटे में गूंद लें पालक के पराठे, इस तरीके से बना के भी दे सकते हैं। और अगर स्टफ़ नहीं बना रहे हैं तो इस वाले डो का प्लेन पराठा भी बहुत अच्छा लगता है, तो वो भी अपने आप में काफ़ी हेल्दी रहता है क्योंकि उसमें पालक आपने डाला है। थोड़े बहुत मसाले मिलाकर के उसको एक बढ़िया सा मसाले वाला आटा बना करके और पराठे बना सकते हैं। तो यहाँ पे झटपट से हमारे ये पराठे बन करके तैयार हो गए। हरी चटनी के साथ मैंने सर्व किए थे। चटनी ऑल द टाइम मेरे पास बनी हुई रहती है विंटर्स में, तो क्योंकि हरा धनिया इतना ज़्यादा आता है ना, तो हर बार मैं एक बंच ले आती हूँ। थोड़ा बहुत उसको मैं सब्जी में डालने के लिए रखती हूँ और आधे बंच की मैं चटनी बना करके उसको पूरे हफ्ते भर फ्रिज में स्टोर करती हूँ और थोड़ा थोड़ा निकाल करके फिर हम लोग खाते रहते हैं।
तो इसी तरीके से मैं अपने धनिया को जो है खराब होने से भी बचाती हूँ और साथ ही में उनको बाकी चीज़ों में भी यूज़ करती हूँ। तो ये लीजिए, आज की ब्रेकफास्ट की थाली हमारी हो गई है तैयार बढ़िया से। सर्द मौसम में गाजर मूली के गर्मा गर्म पराठे हरी चटनी के साथ सबको देने के बाद मैं बैठ गई थी अपना नाश्ता करने के लिए। तो फटाफट से मैं अपना नाश्ता कर लूँगी और मेरी चाय ना इस टाइम तक बिल्कुल ठंडी हो जाती है, मुझे एक दो बार गर्म करनी पड़ती है। हालांकि कहते हैं कि गर्म की हुई चाय नुकसानदायक होती है, फर्स्ट टाइम फ्रेश बन रही है तो उसी समय पी ले, उसको दोबारा गर्म करके बिल्कुल ना पिए, वो हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती। बट मेरे साथ आजकल ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है, मैं कोशिश करती हूँ कि फ्रेश ही पी लूँ बट दोबारा गर्म करनी पड़ती ही है। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। आज आपके साथ थोड़ा बहुत क्लीनिंग का भी मैं शेयर करने वाली हूँ इसी व्लॉग में। तो सबसे पहले शुरुआत मैं किचन से ही कर रही हूँ, सोचा पहले किचन निपटा लेती हूँ तो थोड़ा बहुत मेरा टेंशन कम होगी। तो रिफ़िल ख़त्म हो गया था मेरा डिश वॉश लिक्विड का, तो मैं ये जो 2 लीटर वाला डिश वॉश लिक्विड का रिफ़िल पैक है ये मैं लेकर के आई हूँ, तो मैं इनको थोड़ा थोड़ा बॉटल्स में फ़िल कर दूँगी। ये मैंने अपने एक अभी लास्ट टाइम मैंने जो ग्रोसरी हॉल शेयर किया था उसमें मैंने आपको दिखाया था, काफ़ी रीज़नेबल रहता है और इस तरीके से रिफ़िल पैक लाने से ज़्यादा आपको कॉस्टली नहीं पड़ता, रादर देन कि आप बॉटल्स लेकर के आए। बॉटल्स वाले जो पैकेट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली भी होते हैं और उनमें उतना ज़्यादा कहते हैं ना बरकत भी नहीं आती है, तो अगर रिफ़िल पैक में लाती हूँ ना तो मुझे बहुत सही लगता है और ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं पड़ता। तो फटाफट से मैं यहाँ पे बर्तन क्लीन कर लूँगी और बर्तन धोते हुए आपने मुझे पहले भी कई बार देखा है तो मैं ज़्यादा इस व्लॉग को यहाँ पे लंबा नहीं करूँगी, तो मैं आपको आगे ले चलती हूँ। और यहाँ पे इस छोटी सी चूहिया से भी मिल लीजिए जो जिस समय मेरे साथ रहती है नीचे और कोई भी घर में नहीं होता, वो हमेशा यही मिलती है इसी वाली शेल्फ के अंदर। आजकल वो इसमें फिट भी नहीं आ पाती लेकिन फिर भी इसी के अंदर उसको जाना रहता है, चाहे चीज़ें इधर उधर से गिरती रहे नो मैटर्स, बट उसको उसके अंदर जाना ही रहता है। तो बहुत ज़्यादा उसको ये वाली जगह पसंद है। और इसका जो दरवाज़ा है ना वो काफ़ी ज़्यादा इसका सॉफ्ट टारगेट भी है, उसका जो मैग्नेट है ना वो उतना ज़्यादा लगता भी नहीं है, तो वो बहुत इजीली उसको खोल करके अंदर चली जाती है। अदरवाइज़ जितने भी मेरे बाकी शेल्फ के डोर्स हैं ना उनमें मैग्नेट थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर के साथ खुलता है तो उन्हें वो खोल नहीं पाती, इसमें वो जल्दी से घुस जाती है जा करके। और क्योंकि थोड़ी बहुत जगह भी रहती है ना तो बैठना भी उसको बड़ा आसान लगता है वहाँ पे। तो मैं भी कुछ नहीं बोलती, चलो ठीक है बच्चे खेल रहे हैं इधर उधर तो सही है, मुझे थोड़ा टाइम मिल जाता है इस समय पे। उसके बाद किचन वगैरह क्लीन करने के बाद और सिंक को अच्छे से धो दिया है मैंने, और आज मेरे पास ये ड्रेनेक्स है डालने के लिए, काफ़ी टाइम से मैंने इसको नहीं डाला था अपने ड्रेनेज पाइप के अंदर तो क्लॉगिंग ना हो जाए, इसलिए मैंने आज इसको डाल दिया है। आज इसको डालने का दिन भी था, महीने में 1-2 बार मैं यूज़ कर लेती हूँ, तो मैंने एक पूरा पैकेट जो था इसके अंदर डाल दिया है और अब मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूंगी कुछ टाइम के लिए, और उसके बाद मैं गर्म पानी डाल करके इसको अच्छे से रिंस कर दूंगी, मतलब गर्म पानी भी अच्छा खासा खौलता हुआ डालना है, उसके बाद इसको धो दूंगी। उसके बाद स्ट्रेट अवे मैं आ गई हूँ रूम्स में क्लीनिंग करने के लिए और आप रूम की हालत देख सकते हैं, अराउंड 10:30 हो रहा है और अभी तक मेरे रूम की क्लीनिंग नहीं हुई है। तो आजकल यही चलता है पार्थ की, क्योंकि विंटर वेकेशंस चल रही हैं तो बच्चे लेट ही उठते हैं, बिस्तर भी लेट ही क्लीन होता है फिर, तो कुछ दिनों में उसके स्कूल खुल जाएंगे तो बैक टू रूटीन हो जाएगा सारी चीज़ें, तो सब कुछ टाइम से होगा। तो 10:30-11 कभी कभी 11:30 तक भी रूम ऐसे ही रहता है। ये 1 घंटा मेरे लिए इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि बस इस 1 घंटे में मैं सारा कुछ क्लीनिंग का काम अपना निपटाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि 11 से लेकर के 12 बजे तक पार्थ जाता है ट्यूशन,
तो उस ट्यूशन टाइम में मैं सारा कुछ घर टाइडी करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि बच्चे जब दोनों ही रहते हैं तो लिविंग रूम में, बेडरूम्स में, वो सब जगह खेलते रहते हैं, तो सफाई इतनी ज़्यादा पॉसिबल हो नहीं पाती। तो जैसे ही वो जाता है ट्यूशन, तो मैं फटाफट से अपने काम में लग जाती हूँ। सबसे पहले बेडरूम्स को क्लीन कर दिया मैंने अब अच्छे से। हस्बैंड भी अभी बानू को लेकर के ऊपर गए हैं थोड़ा सा धूप में, उसको भी थोड़ी धूप मिल जाती है और वो खुद भी चले जाते हैं। तो फटाफट से अब मैं रूम्स को कर दूंगी टाइडी पूरे दिन भर के लिए। तो यहाँ पे हमारा वाला बेडरूम हो गया था ठीक से, और उसके बाद मैंने लॉन्ड्री भी लगा दी थी, क्योंकि ये काम भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर एक भी दिन आप ये लॉन्ड्री का काम छोड़ दें तो अगले दिन आपको बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत पड़ जाती है, और मशीन लगातार एक दो लोड चलती रहती है, तो वो ना हो। तो मैं रोज़ लॉन्ड्री करती हूँ थोड़ी बहुत, सिर्फ थर्सडेज़ को छोड़ करके। थर्सडेज़ मैं ना तो क्लीनिंग करती हूँ ज़्यादा, ना फिर लॉन्ड्री करती हूँ, तो उस दिन मेरा काइंड ऑफ रिलैक्सिंग डे ही होता है, बस खाना पीना और थोड़ी बहुत क्लीनिंग, दैट्स इट। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट लोड लगा दिया है, कपड़े धुलते रहेंगे आराम से, और उसी बीच में अब मैं आऊँगी हस्बैंड का रूम भी क्लीन कर दूँगी जल्दी से, क्योंकि वो अभी ऊपर गए हुए हैं। और इनका रूम ना, बस मैं क्या ही बताऊँ, वीक में मुझे इतना ज़्यादा रश करना पड़ता है उनके रूम को क्लीन करने के लिए, या तो वीकेंड पर ही हो, क्योंकि वो बिल्कुल 9:30 बजे तक ऑफिस करने चले जाते हैं, उनका दरवाज़ा बंद हो जाता है, तो बहुत मुश्किल से ही मैं वीकडेज में क्लीन कर पाती हूँ, फिर वीकेंड में ही करती हूँ। तो अभी वो चले गए हैं तो मैंने सोचा तुरंत से मैं उनका रूम भी क्लीन कर देती हूँ, और बेडशीट्स वगैरह मैंने सब उनकी चेंज कर दी है यहाँ पे। और जब वो आए ना नीचे और उन्होंने अपना रूम एकदम से बिल्कुल साफ सुथरा देखा, तो ही सेड कि तुम्हारे बिना तो मेरा कुछ हो ही नहीं सकता। एंड आई वॉज लाइक ओ माई गॉड, चलो अच्छी बात है कि हमारे बिना आपका कुछ नहीं हो सकता। तो ठीक है, मैंने उनका यहाँ पे रूम भी टाइडी कर दिया। ही वॉज सो हैप्पी कि वीक डेज में उनका रूम जो है क्लीन हो गया है। उसके बाद बारी आती है क्विकली बाथरूम क्लीनिंग की। तो दोनों के दोनों बाथरूम जो हस्बैंड के रूम में भी हैं और मेरे रूम में जो मास्टर बाथरूम है, तो दोनों की क्लीनिंग मैं आज ही निपटा दूंगी फटाफट। हफ्ते में 2 बार मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ, और रेगुलर बेसिस पे मैं वाइप से क्लीन करती हूँ कमोड भी और फ्लोर भी। बाकी ये वाला जो मैं ऐसे धुलती हूँ ना बाथरूम को, तो वो मैं हफ्ते में सिर्फ 2 बार ही करती हूँ। विंटर्स में ज़्यादा पॉसिबल हो नहीं पाता पानी में डूबना, तो मैंने अच्छे से इसको रब कर लिया है नीचे से। जो हार्पिक का रेड वाला बाथरूम क्लीनर होता है ना, जो ब्लीचिंग बेस्ड होता है, ब्लीचिंग होता है उसके अंदर, थोड़ा सा स्पंज पर लगा करके मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से रब कर दिया है, कमोड भी, फ्लश भी, और नीचे पूरा फ्लोर। और उसके बाद बस मैंने पानी से धुल लेना है इसको अच्छे से, उसके बाद मैं इसको वाइपर से पूरा वाइप कर दूंगी, पूरा पानी इसका मैं सुखा दूंगी। टाइलिंग वगैरह पर भी, जो नीचे नीचे की आप ये ब्लैक टाइल्स देख रहे हैं ना, इन पर भी मैंने अच्छे से हार्पिक को रब कर दिया था थोड़ा सा स्पॉन्ज में लगा करके। अब मैं अच्छे से इसको धो दूंगी तो मेरा ये बाथरूम यहाँ पे क्लीन हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, काम अपने साथ के साथ निपटाती रहती हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि क्यों सर्दी में इतना काम करना है, किस लिए करना है, तो ऐसा नहीं होता। घर साफ़ सुथरा किसको अच्छा नहीं लगता, और अगर आप टाइम टू टाइम घर का एक एक कोना भी रोज़ साफ़ करते रहें, तो भी हफ्ते भर आपका जो घर है वो साफ़ रहता है, और रोज़ रोज़ एक जगह की सफाई भी नहीं करनी पड़ती। तो एक कोना भी अगर पकड़ें कि आज हमें यहाँ रूम साफ़ करना है, आज हमें लिविंग रूम साफ़ करना है, आज बाथरूम क्लीनिंग करनी है, तो हफ्ते भर तक आपका पूरा घर टाइडी रहता है। तो इसी तरीके से करना भी चाहिए, और मोटिवेशन भी आता है ऐसे। अदरवाइज क्लीन ना करें, घर की साफ सफाई ना करें, तो हफ्ते के एंड तक इतना ज़्यादा क्लटर्ड आपका घर लगेगा कि फिर आपको कोई मोटिवेशन नहीं आएगा सफाई करने का, कि इतना ज़्यादा फैल गया अब सफाई कैसे करें, और फिर आप ढूंढेंगे हेल्प, जो कि बहुत इम्पॉसिबल सी बात हो जाती है अगर आप घर में अकेले हैं। तो जब अकेले होते हैं ना, तो पता होता है कि काम तो हम ही को करना है, चाहे अभी करें चाहे बाद में करें। तो बाथरूम क्लीनिंग डन,
कुछ टाइम के बाद मैंने लंच भी बनाना शुरू कर दिया था। एक घंटा मैंने धूप भी सेकी क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई थी मैं, ठंड भी लग रही थी, तो मैं धूप सेक करके आई हूँ और फटाफट मैंने लंच भी तैयार कर दिया है। यहाँ पे राइस बन रहे हैं और ऑलमोस्ट तैयार ही हैं, और साथ ही मैं बना रही हूँ पालक का साग, और साथ में ये सैलेड भी मैंने कट कर ली थी। मेरे पास थोड़ा सा लेफ्ट ओवर शाही पनीर भी रखा हुआ था, मैंने एक रात पहले बनाया था, तो ये भी है मेरे पास, और साथ में ये पालक का साग। आज हस्बैंड ने बड़ी फरमाइश करी सुबह कि उनको इस तरीके का पालक का साग खाना है राइस के साथ, तो मैंने कहा चलो ठीक है आपकी फरमाइश पूरी कर देते हैं हम। तो ऑलमोस्ट खाना मेरा रेडी हो ही गया था, तो मैंने सर्व कर दिया था हस्बैंड को। और ये खाना इतना ज़्यादा सेटिस्फाइंग होता है ना सर्दियों में, गर्मा गर्म चावल और पालक का साग। जिन जिन लोगों ने खाया होगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि ये कितना टेस्टी लगता है, पालक के साथ राइस का कॉम्बिनेशन बहुत ही मज़ेदार लगता है। बच्चों ने तो नहीं खाया लेकिन मैंने और साहब ने खाया। बच्चे पालक पनीर खा लेते हैं बट अगर उसके अंदर पनीर ना हो तो वो नहीं छूते बिल्कुल भी, तो इसलिए उनके लिए था मेरे पास शाही पनीर, तो उनको मैंने राइस के साथ शाही पनीर खिला दिया था क्योंकि हस्बैंड की फरमाइश भी पूरी करनी होती है और बच्चों को भी देखना होता है, तो मैंने उनके लिए भी एक रेसिपी तैयार कर दी थी। तो बस यहाँ पे हो गया हमारा आज का लंच भी रेडी फटाफट से। सैलेड मैंने रख दी थी और सैलेड के साथ मैं लगाती हूँ यहाँ पे ग्रीन चटनी जो कि मेरे पास हमेशा रहती है जैसे कि मैंने सुबह बताया। तो बस ये सेटिस्फाइंग सा लंच हमारा हो गया रेडी गर्मा गर्म, बहुत बढ़िया। जिसको भूख लगी है काम करने के बाद तुरंत आ जाइए खाने के लिए, गर्मा गर्म खाना रेडी है। उसके बाद ये है शाम का टाइम, एकदम शाम तो नहीं है, 4:30 बजे का टाइम है। मैं ऊपर आई थी थोड़ा सा काम देखने के लिए, कपड़े वगैरह थे उनको फोल्ड किया मैंने, बच्चे खेलते रहते हैं सामने, बड़ा सा फील्ड है यहाँ पे ऊपर नीचे दोनों तरफ, और हमारे घर के लेफ्ट साइड में भी फील्ड है जहाँ की क्लिप मैंने अभी आपको दिखाई। तो बच्चे दोनों फील्ड में रहते हैं शाम को और पूरा ऑक्यूपाई करके रखते हैं, खूब शोर हल्ला गुल्ला होता रहता है यहाँ पे शाम को। कुछ लोग क्रिकेट खेलते हैं, कुछ फुटबॉल खेलते हैं, किसी को सिर्फ साइकिलिंग करना पसंद है तो वो साइकिलिंग भी करते हैं, तो इसी तरीके से चलता रहता है। और लगे हाथ में आपको थोड़े बहुत अपनी गार्डनिंग भी दिखा देती हूँ, बहुत ही प्यारे प्यारे से फूल आए हैं आजकल। इवन दो फॉल्स तो है बट फिर भी थोड़ा बहुत ये है कि खिले रहते हैं फूल तो अच्छा लगता है देखने में। और काम मेरा अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, मैंने देखा कि ऊपर काफ़ी ज़्यादा पत्ते वत्ते गिरे हुए थे, बानू आकर के फूल झाड़ जाती है हाथों से तो वो भी गिरे हुए थे, तो मैं फट से लेकर के आई झाड़ू और मैंने सोचा मैं झाड़ू भी कर लेती हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये लोग फ्रूट्स वगैरह भी खाते हैं ना, तो ऑरेंज की पीलिंग उसके सीड्स वगैरह भी गिरा देते हैं बच्चे, तो पूरे छत में वो फिर हो जाते हैं हवा से, तो मैंने तुरंत यहाँ पे लगा दी थी झाड़ू। तो मेरा एक काम ये भी हो गया आज का, नोटेड नहीं था ये मेरी टू डू लिस्ट में नहीं था बट क्योंकि मुझे दिख रहा था ये काम तो मैंने कर लिया फटाफट से, अब नेक्स्ट डे के लिए ये काम मेरे पास नहीं रहेगा। तो हफ्ते में 2 बार झाड़ू लगानी ही पड़ती है मुझे, और कई बार तो ऐसा होता है कि इतना ज़्यादा बच्चे छिलके वगैरह गिराते हैं ना तो फिर मुझे रोज़ लगानी पड़ती है। और मैं आपको दिखाती हूँ ये देखिए, ये ना जीरेनियम का इतना बड़ा बंच था, ये इतना प्यारा खिल रहा था बेबी पिंक कलर में, लेकिन बानू ने ना इसको हाथ मार करके यहाँ से तोड़ दिया बिल्कुल। और अभी इसमें और भी नीचे कलियाँ थी जो कि अभी और ज़्यादा खिलती, पीछे की तरफ मैं दिखाने की कोशिश करती हूँ आपको, अगर दिखेंगी तो छोटे छोटे देखिए ये भी फ्लावर खिले नहीं हैं, तो ये भी बहुत बड़ा होता बंच, इतना प्यारा ये लग रहा था बट उसने एकदम से हाथ मार के तोड़ दिया, तो मुझे बहुत ही बुरा लग रहा था, तो मैंने इसको ना यहाँ से स्टेम से हटाया नहीं, आई थॉट कि इसको ऐसे ही रहने दो, खिलता है जितना खिलेगा अच्छा है, नहीं खिलेगा कोई बात नहीं, बट ये इतना सुंदर लग रहा था ना कि मुझे बहुत ही अंदर से बुरा फील हो रहा था कि उसने इसको तोड़ दिया। बच्चे हैं आप कुछ कह भी नहीं सकते कि बच्चों से प्यारा और क्या होता है, तो मैंने उसको कुछ बोला भी नहीं बट अंदर से मुझे बहुत बुरा फील हो रहा था। इतनी मुश्किल से मैं इन फूलों को उगाती हूँ, इनको खिलते हुए देखती हूँ, मुझे बहुत ही खुशी होती है जब भी मैं ऊपर आती हूँ, कई बार तो मैं सिर्फ इनको देखने के लिए ही ऊपर आती हूँ।
उसके बाद मैं आई नीचे और थकान इतनी ज़्यादा लग रही थी पूरे दिन भर की काम के बाद, तो मुझे चाय की बहुत ज़्यादा तलब लग रही थी, कहते हैं ना तलब लगती है, तो बस मैंने फटाफट से बनाई है यहाँ गर्मा गर्म अदरक वाली चाय, थोड़े से तुलसी के पत्ते भी डाल दिए थे मैंने इसमें, और बस अब मैं पीऊँगी चाय बैठ कर के, थोड़ा सा अपनी थकान उतारती हूँ। एक प्याला चाय मिल जाती है ना जब काम करने के बाद, तो बहुत ही दिल को तसल्ली मिलती है। ये चाय एक्चुअली मैं पीने वाली थी लंच से पहले, जब सारे काम मेरे निपट गए थे, बट हस्बैंड ने बोला कि अभी नहीं पियो, बाद में पीना, तो ये अब बन रही है। तो चलिए इसी के साथ आ गए हैं हम इस ब्लॉग के एंड पर। आई होप ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, कुछ भी पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर कॉमेंट एंड प्लीज प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। मैं मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ, टिल देन यू गाइस टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।